अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई चैनल। सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अलहमदिल्ला हम भी खैरियत से हैं, ठीक हैं। और अब सब एक दूसरे को दुआ में याद रखें। और बस चले ली मैं अली कस्टरी का नाश्ता बना रही हूँ कि आज मुझे बिल्कुल आँख नहीं खुली थी, क्योंकि रात में कल हम गए थे 40 में अपनी भाभी के लांडी, तो आज बिल्कुल सुबह आँख नहीं खुली थी। फिर बस थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, तो चले गई मैं इनको नाश्ता दूँगी। और क्या नाम है, लंच आज मैं नहीं दूँगी, आज इन्हें पे दे दूँगी लंच के बदले ना। और बस अली का गिफ्ट पैक विथ अंडा बना रही हूँ, और उसके बाद अली की सारी चीज़ें तैयार करूँगी, बोतल पैक में रखूँगी स्कूल की, और किताबी सारे जो सब्जेक्ट वाइज वो रखूँगी, बाकी सारा काम वही करूँगी। वीडियो को लगी लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। कहते हैं जब अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है, और ऐसे ही होता है यकीन है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, जो कुछ वक्त से नेगेटिव चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही कहते हैं हर चीज़ को वक्त की ज़रूरत होती है, और वक्त के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ भी ऐसी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें परफेक्ट होती जा रही हैं, और जो रह गई हैं इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। जहाँ भी कोई भी कमी है, नाराज़गी, जो भी ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी मैं आमलेट बना रही हूँ, अली का रेडी कर रही हूँ सब चीज़ें। और जो तूफ़ान आ रहा है, वैसे ही हम जानती तूफ़ान से तो वैसे ही डर लगता है, और हमें डरना भी चाहिए। और ये हमारे गुनाहों की भी सज़ा होती है जो हमारे साथ होता है, और हम समझते नहीं हैं, हम समझते हैं, और अभी भी हम मजाक ही समझ रहे हैं। मैं आपसे न्यूज़ में देख रही हूँ कि लोग टीवियों पर पाबंदी लगी है, फिर भी लोग पानी की जगहों पर जा रहे हैं सब कुछ। तो हमें नहीं जाना चाहिए, हमें एहतियात करना चाहिए, हमें अपनी हुकूमत की मतलब जो भी है बात मानना चाहिए, और अपना ख्याल रखना चाहिए अपने बड़ों का, अपने उनकी ताज़ीम करना चाहिए, छोटों का ख्याल रखना चाहिए। नुकसान फिर हमें ही होता है अगर हम मतलब केयर नहीं करते और बड़ों की बात नहीं मानते, तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। और यही चीज़ हूँ कि इसमें यकीन होना सब कुछ होता है, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वक्त के साथ हमको थोड़ी दूर हो जाती हैं, तो अल्लाह पे यकीन हो तो एक नए दिन वो सब कुछ हमारे पास साफ किया जाता है। और मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसी बातें आप रिश्तों में नाराज़गी भी होती है, अब दोनों आते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको यकीन होना चाहिए, और आप अच्छा रवैया रखो तो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि आपके वो रिश्ते वापसी आपसे मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है और जैसे बताया अगर आप तो है भी तो बच्चा नहीं ना करो सामने करके बैठ जाओ और प्यार करो, अल्लाह को छोड़ दो, और कभी ना कभी तो आपकी कोई ना कोई नेकी तो काम आ ही जाएगी, और कभी ना कभी एहसास होगा तो हो सकता है फिर से सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी दुआ के साथ बस अभी मैं नाश्ता लेती हूँ, और नाश्ता रेडी करती हूँ सभी का। बस ये अली का नाश्ता रेडी कर दिया, अब जूस मैं निकाल देती हूँ, उनको जूस दूँगी हाथों हाथ, गर्मी बहुत हो रही है। पचली से छुट्टियाँ पड़ जाएँ, या तो 16 तारीख को है या 19 तारीख से है, देखो कब होता है। बस अभी जूस निकाल ली हूँ, फिर जूस दूँ फ्रेश। और बस अल्लाह ताला हमें जो अभी समंदरी तूफ़ान आ रहा है और जो भी हम आफत है, अल्लाह ताला हमें सबको मुसीबत से बचाए, और अल्लाह ताला हम पर अपना फजल करम अता फरमाए। हम तो बहुत गुनाहगार हैं, बस अल्लाह ताला जिन लोगों पे इनाम है तेरा उन लोगों के वास्ते वसीले, और तमाम औलिया नबियों के वास्ते वसीले, हम सब अपना फजल करम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये बस अली का नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है, अब मैं अली को देखती हूँ अली रेडी हुए नहीं हुए, क्योंकि माशाल्लाह तो काम थोड़े थोड़े अपने खुद भी। नाश्ता रखा है अली का, और आप ये पूरे कमरे की हालत देखें क्या सुन बच्चों ने। आने के बाद हमने सरनसियाँ उतारी, वो भी ऐसी हो गई, और बस पैरों में थोड़ी देर नैप लूँगी, फिर उसके बाद उठ के कुछ काम करूँगी, ना मेरे रवक ऐसे सर घूमता रहेगा। आप करो फिर मैं आपके कपड़े सही करती हूँ, सेट करती, फिर एडवाइस रखती जो लेके जानी है, रखती का सब पैक बंद कर दूँगी, इसके बाद उनका लंच कर दूँगी, बैग के अंदर लगा दूँगी साइड पॉकेट का, बैग रेडी कर दिया है, बहुत जल्दी भी लगा दी है। बस अब अली को जल्दी से छोड़ कर आऊँगी, घर के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी से आऊँगी।
बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम से गेट खोलो। आज मैं आपको पौधों के बारे में बताऊंगी कि कौन सा पौधा कटिंग से लग जाता है और कौन सा नहीं लगता है। और माशाल्लाह मिस मैं भी अभी इसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, फिर आने के बाद पानी डालूंगी और फिर थोड़ी देर मेहनत लूँगी, फिर उसके बाद उठ कर फिर अपने काम करूँगी, जो भी काम है अपने भी मेहनत के भी होते हैं, फिर हस्बैंड आ जाते हैं उनके भी होते हैं, फिर अली आ जाएगा उनके होंगे, फिर उसके बाद मुझे लेटने को ज़रा सा नहीं मिलता, तो उसने मैं आने के पहले थोड़ी देर लेटूँगी फिर बाकी काम करूँगा। ज़ैनब सो रही है, बस थोड़ा सा काम करके आटा गूंथूंगी हस्बैंड के लिए, रख दूंगी ठहर जाएगा जब तक आएंगे, अपना गेट खोलूंगी। इतनी सोनी वीडियो। सिंपल सा मेरा नाश्ता है और ज़ैनब उठ गई है, ज़ैनब में मेरा होगा। हम सबने तो खा लिया, बस अली के लिए मैंने ये रख दिया है, अली आएंगे तो बस अली खाएंगे। मैंने अभी साफ कर लिया है और सारी चीज़ें समेटती हूँ यहाँ पर, सब साफ कर लिया आज तक। और अभी आप लोग सोचो कि मैं कारपेट अब तक क्यों नहीं बिछा रही हूँ, अभी ये फ्रेश क्यों मैंने ऐसे छोड़ा हुआ है, इसको मैं रोज़ पोछा लगा के झाड़ू दे के छोड़ देती हूँ, बच्चे नहीं खेलते हैं। मैं इंशाल्लाह बिछाऊँगी कारपेट पर, अभी गर्मी इतनी शिद्दत वाली है तो मैंने एक कमरे में कारपेट बिल्कुल ही हटाया हुआ इस वाले में ना, तो बाकी ये कि जो बेड रूम में भी कारपेट सेट कर दिया, बेड वाला कमरा भी उसमें सेट कर दिया, दूसरा कमरा भी दिखाती हूँ आपको। सारी सफाई फाई कर ली, बस थोड़ी देर में सोती हूँ, फिर उसके बाद उठ के जो मेरे काम होते हैं पौधों में, माशाल्लाह पानी डालना ये सब करना, ऐसी बातें जब हम हर चीज़ में तवज्जा मांगती है, रिश्ता हो, घर हो, प्यार हो, और आप किसी भी चीज़ को प्यार से तवज्जा से दें, वो रिश्ते हों या घर हो, तो वो माशाल्लाह सजा हुआ होता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। अभी थोड़ा सा मेरी तवज्जो कम है घर पर, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं काफ़ी मेहनत करने वाली हूँ, काफ़ी चीज़ों का बस अभी कुछ रीज़न है जिसके लिए मैं ये नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत को भी अभी मुझे देखना है आस पास का, फिर अपने सारे काम मैंने करने। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इस तरह से अभी पौधे वोधे रखे हुए अपने, और मुझे अपने पौधों से बड़ा प्यार है, घर से भी है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं ना, ये एक गिफ्ट होता है, देखिए अली बैठक है यहाँ पर, ये एक तो भी गिफ्ट होता है जैसे आपके घर से ही होता है। और ये मैं यहाँ ड्राइवर में आ गई, लाइट ऑन कर दी और मैंने कवर्स कुछ उतारे हैं इनको वॉश करने के लिए थे, तो अभी दोबारा दूसरे कवर्स चढ़ाने हैं। ड्रामो में अभी हस्बैंड सो रहे थे वहाँ मैं नहीं दिखाऊंगी, उन्होंने मना किया मुझे सोते हुए नहीं दिखाया करो, और ज़ैनब भी मैं सो रही हूँ पापा के पास। तो बस सारा सब कुछ साफ़ कर लिया है, नाश्ता वाश्ता किया, हस्बैंड को सो गए, फिर मैंने अभी काम वाम करे, अली को लेकर आना था, अली को लेकर आई, बस सारे काम जो होते हैं ना पता ही नहीं चलते। और हमें क्या कहती थी, जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं, घर हो या रिश्ता हो, तो माशाल्लाह महकता है वो, सच अच्छा लगता है सजावा, तो इसी तरह से हम तवज्जा मांगती है, बच्चे भी तवज्जा मांगते हैं, प्लांट्स भी तवज्जा मांगते हैं, हस्बैंड भी तवज्जा मांगते हैं, और घर भी तवज्जा मांगता है, तो माशाल्लाह जो भी आता है तारीफ़ ही करता है उस घर की, कि माँ की मैं आपने बहुत अच्छा सजाया है, घर छोटा हो बड़ा हो अगर आपने दिल से सजाया हो ना तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, मुझे ये प्लांट्स बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था मैं कटिंग्स वाले प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, तो आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगी जो प्लांट्स कटिंग से लग सकते हैं और जो मैंने एक एक लिए हैं और उनको कटिंग से पढ़ाया है, कौन कौन से प्लांट्स है। ये वाला जो प्लांट है उसका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कटिंग से लग सकता है, इसको हम निकाल लेंगे और उसको हम लगा लेंगे दूसरी जगह। ये जो है मैंने कटिंग बताई है, चाइना रोज जो प्लांट्स होता है इसकी कटिंग है, तो ये मैंने कोई भी आप कहीं से भी कटिंग ले लें, पर छोटी कटिंग लेगा तो उससे ये होता है कि वो जल्दी ग्रो कर देती है, ये मैंने कटिंग लगाई थी इसके अंदर, ये कटिंग से चला और माशाल्लाह ये बैल है बहुत ज़बरदस्त चल रही है, पर मैंने इसकी तीन चार कटिंग कर ली है और तीनों चारों जगह जहाँ जहाँ मैंने इसकी कटिंग कराई माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ग्रो करी है। और ये जो प्लांट्स है ये भी बहुत ज़बरदस्त बैल है,
और ये भी कटिंग से लग सकती है। तो अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, पर ये कटिंग से लग जाती है। अभी मैं परचेज करके लेकर आई थी, तो अभी मैं जल्दी इसकी कटिंग नहीं करूँगी। और ये जो प्लांट्स हैं ये भी पूरा कटिंग से लगा हुआ है पूरा। तो ये मैं ये डंडी लेकर आई थी हरी, ये डंडी तो ये कटिंग से लेकर आई थी मम्मा की घर से, मम्मा की घर पर लगी है। तो वहाँ से लेकर आई थी कटिंग, मम्मा से ज़बरदस्त चली कटिंग और वहाँ पर भूल लाया था। अच्छा ये जो कटिंग है ना ये काफ़ी लोगों ने लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चली है। और ये प्लांट्स जो है ये बड़ा ज़बरदस्त से है ना, डबल शर्ट के पत्ते हैं हाथ पे और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये भी कटिंग से लग सकता है, इसकी कटिंग भी वैसे सेम तरीका जैसे ये रूट्स है, तो आप इधर से कटिंग कर सकते हैं। और इसकी कहीं से भी कटिंग करके मतलब ये रूट्स जो होता है ना इसको आप पानी में भी डुबो सकते हैं, पानी में भी बहुत अच्छी चलेगी। और ये प्लांट जो है ये भी कटिंग से लग सकता है। ये सारे प्लांट्स जितने भी मैं मम्मा के घर से लेकर आई थी ये कटिंग से लग गया। और एरोवेरा ऐसी चीज़ है जो अपने खुद ही इनके अंदर पेपर्स निकल जाते हैं, तो वो आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये एरोवेरा में पेपर्स निकला हुआ है ये रहा, तो ये खुद ही लग सकता है, इसकी भी कटिंग का नहीं होता, ये खुद ही बेबी आ जाते हैं। अच्छा और ये जो है ना ये भी कटिंग से लगते हैं, ये वाले भी कटिंग से भी लग जाते हैं। ये सब मैं एक ही परचेस करके लेकर आई थी, ये सब कटिंग से हैं। और ये मेरी खाला ने मुझे दिया था, तो ये अभी एक ही है वैसे, ये इसकी भी कटिंग लग जाती है आराम से, क्योंकि मेरी खाला ने जब मुझे दी थी कटिंग ही नहीं थी, ये बहुत छोटा सा था और ये इस तरह से होता था, कटिंग करके दोबारा से हो जाता, पर मैंने अभी तक इसकी कटिंग नहीं करी क्योंकि उसकी वैसे ही बहुत छोटे छोटे से, इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं करी। और ये सब कटिंग लगी हुई है, ये भी कटिंग लगी हुई है यहाँ पर, और ये भी कटिंग लगी हुई है, जो ज़बरदस्त लग रही है, ये भी कटिंग है, ये भी कटिंग है, ये सब कटिंग है। और मैं आपको दिखाती हूँ बाकी, ये मैंने आपके पास है ना वो बेल में से कटिंग करी हुई, ये भी कटिंग है और इसके भी बेबी आ रहा है इसमें, तो ये मैं निकाल लूँगी अभी, नहीं निकालूँगी इसको, ऊपर वाला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इसका। और ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे, तो पम्प है, फैन पम्प लगा है, और ये भी कटिंग लग जाती है इनके आराम से, ये भी लग जाते हैं, ये जैसे आए आप इसमें से, ये बेबीज को जल्दी नहीं देते हैं, तो इसमें बहुत जल्दी प्लांट्स पड़ते हैं। और ये सब कटिंग है, और ये वाला प्लांट्स जो है ये माशाल्लाह इसके अंदर कितने सारे बेबीज हैं, तो आप इसमें से कटिंग आराम से करके बड़ी आराम से इसको ना पोर्शन से निकाल सकते हैं इसके। तो ये वाला जो है ये भी पम्प है, तो इनमें तो कटिंग नहीं होती मुझे यहाँ तक पता है, इनके बीज होते हैं, तो ये तो मैंने परचेज़ किया हुआ है, ये भी परचेज़ किया है, पर इनमें अभी बेबीज हैं, पर मैं अभी इनको नहीं छोड़ूंगी। और ये भी जो है ये मम्मा के घर से लाई थी, ये भी जो है ना ये मैं एक लिया था और ये माशाल्लाह अम्मी के घर लिया था अम्मी ने, और ये बहुत सारे इसके ना, तो ये भी कटिंग है, ये सारे कटिंग है। और ये परचेज़ किया हुआ, ये भी परचेज़ किया, पर ये भी कटिंग से ये वाला लग सकता है ना, मुझे किसी का भी नहीं इतिहास होता, हाँ शौक बहुत ही लेने का। और ये इस तरह से मैंने अपना डेकोरेट किया हुआ है, एंट्री का है और ये मेरा अंदर का हिस्सा है, मतलब जो भी दिखे अंदर शामिल होते अंदर में, तो इसमें ये जो ब्रांडी है ये भी कटिंग से आराम से लग जाती है, इसका नहीं पता मुझे, ये सब कटिंग है, ये मम्मा के घर से मैं लेकर आई थी कटिंग है, और ये मैंने परचेज़ किए हुए हैं, ये भी परचेज़ किया हुआ है, पर ये क्या नाम है इसकी कटिंग भी लग जाती है आराम से, किसी छोटी बेबी से इसको काट के आप लगा सकते हैं। और ये वाला जो है ये जो है ये भी मेरे ख्याल से कटिंग से लग जाती है, बेल है ये आस्ता आस्ता फैलेगी। और ये प्लांट्स है ये भी आराम से लग जाता है, अभी तो असल में इसका पॉट्स छोटा है, तो मैं सोच रही थी इसको बड़े पॉट में करूँ, पर हस्बैंड को इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें अभी तक मैंने छोड़ा। और ये भी कटिंग से लग जाते हैं, ये कटिंग अम्मी के घर से लाई थी, परचेस किया हुआ है। और ये पम्प जो है ये भी परचेस किया हुआ है, इसकी तो अभी मुझे कटिंग नहीं आती। और ये वाला जो होता है ना ये भी पम्प भी खिलाते हैं शायद, तो ये कटिंग से लग जाता है। और ये जो मनी प्लांट्स है ये सब कटिंग से लग जाते हैं, ये जितने भी नहीं सारी कटिंग वाले हैं, कट करके प्लांट को लगाने में सब कटिंग लगी हुई है। ये मैंने परचेस किया था, मैंने दो किया था, पर मेरा ये ख़राब हो गया था, तो अभी दूसरा वाला मुझे भी चल रहा है, पर ये सारा जो ये देख रहे हैं ये चिड़ियों ने ना सारा ख़राब कर दिया, रोज़ आती हैं सुबह, ये सारा नोच नोच के उन्होंने ख़राब कर दिया। चलो अच्छा तैर रौनक होती है चिड़ियों से। और ये मेरी ख़रीदा था ये वाला, और
ये जो है ना, ये भी मम्मा के घर से मैं कटिंग लेकर आई थी, तो ये बहुत छोटा था और अभी माशाल्लाह इतना हो गई, उधर लगा हुआ था, पर अब धूप का रुख बहुत ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा छाँव का भी है, तो मैंने इसको अंदर कर लिया। तो ये इस तरह से मेरा केली है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। आने वाला जो तूफ़ान है, अल्लाह ताला समंदरी, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, हमारे मुल्क को बचाए और आंधी तूफ़ान से, जलजलों से हम सबको बचाए। अल्लाह ताला हम तक अपना फजल करावता फरमाए इस दुआ के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।